तो गाइज आज का जो वीडियो है वो ये है कि हमारा टैंक पूरा तरीके से रिनोवेट हो चुका है और जो इसमें लीकेजिंग की प्रॉब्लम आई थी शीशे में से वो हमने ठीक कर दिया। कॉर्नर की तरफ इसमें प्रॉब्लम आई थी वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है और साथ में इसका फिल्टर वगैरह भी हमने उसको भी ठीक कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि सारी फिशेज बहुत अच्छी ग्रोथ में है और इसको पूरा ठीक करने में एक्वेरियम को हमको पूरा एक वीक लगा। एक हफ्ते में जाकर के ये पूरा एक्वेरियम ठीक हुआ है और अभी आप देख सकते हैं पूरी फिश अच्छे से इसमें है। ऊपर वाले के शुक्र से कोई भी फिश जो है बीमार नहीं हुई है, कोई भी कलर किसी भी तरह से इसने कलर वगैरह नहीं छोड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको अपडेट देते हैं अपने टैंक के बारे में कि कैसा रहा हमारा ये। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त ऐसे फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से एक्वेरियम में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो दोबारा से आनी शुरू हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे जो मेरा एक्वेरियम है दोबारा से रिनोवेट हो चुका है और काफ़ी क्लियर क्रिस्टल वाटर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। जो फिशेस की ग्रोथ है बहुत अच्छी है। ऊपर वाले के शुक्र से सारी फिशेस मेरी अभी हेल्थी हैं क्योंकि अभी शिफ्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। और बड़ी फिश होने में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको उन्हें एडजस्ट करने में बड़ी परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ जब भी आपके पास एक्वेरियम बड़ा हो तो आप अपने पास स्पेयर में एक एक्वेरियम या दो एक्वेरियम ऐसे रखें जिससे कि आप उन फिशेस को उसमें शिफ्ट कर सकें और आपकी फिश जो है वो हेल्थी रहें, एक्टिव रहें। तो दोस्तों बीच में मेरे पास में दो एक्वेरियम ऑलरेडी रखे हुए हैं स्पेयर में, तो मैंने सारी फिशेज उन्हीं में ही शिफ्ट करी थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट भी दिया था। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक्वेरियम मेरा बहुत अच्छे से पूरा कवर हो चुका है, रिनोवेट हो चुका है और सारी फिशेज जो हैं बिल्कुल हेल्थी हैं, अच्छे से हैं। बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई है, देखिए जब आपकी टाइगर शार्क बड़ी हो जाती है तो हालांकि आपको समझ जाती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, छोटी ज़्यादा करती हैं, बट बड़ी होने के साथ साथ नुकसान ये भी है कि आप उनको जब ऊपर से नीचे करते हैं, इधर से उधर डालते हैं एक्वेरियम में, तो थोड़ा वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी एक फिश जो है वो स्ट्रेस में आ गई है और उसने जो है अपना एक पंख पीछे से तोड़ लिया। आप देख सकते हैं इस वाली फिश ने जो जहाँ पे मेरी उंगली देखी पीछे से इसने जो है अपना ये पीछे की पूंछ जो है इसने तोड़ ली है अपनी, मार के झटका मारा और एकदम से अपनी पीछे की पूंछ तोड़ ली। उसका टुकड़ा भी मेरे पास में भी पड़ा हुआ है, कल ही तोड़ी है ये, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये जो है टुकड़ा जो है फिश ने तोड़ा था जो मेरे पास में पड़ी हुई है। तो इसी तरह से दिक्कत परेशानी ये वाली बात आ जाती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि जो है फिश में ऐसी प्रॉब्लम। बट ये है कि मान लीजिए किसी का कोई फिन टूटता है या पीछे से कोई भी टेल वगैरह टूटती है तो ऑलरेडी अपने आप जो है अपने आप को रिकवर कर लेता है, रीग्रोथ हो जाती है क्योंकि हम उसमें मेडिसिन देंगे या और वाटर चेंज करेंगे तो फिश हेल्थी है तो जल्दी अपने आप को ग्रोथ कर लेगी और टेल दोबारा से अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसका अपडेट देता रहूँगा आपको। अभी फ़िलहाल क्या है कि मैंने इसमें जनरल लेड डाला था, थोड़ा सा अपना इसमें टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल डाला था और मैंने रॉक सॉल्ट डाला था। तो उससे क्या है कि जो फिशेज़ के जो वेन्स में से थोड़ा ब्लडिंग का इशू आया वो बंद हो जाएगा और उसकी जो है ग्रोथ जो है दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी फिश स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेगी और इसका जो टेल है वो दोबारा से अपने आप आना शुरू हो जाएगा, रीग्रोथ कर लेगा। क्योंकि पहले भी मेरी एक फ़िश का टेल ऐसे ही ब्रेक हो गया था, मेरी पुरानी फिश है इसमें एक टाइगर शार्क, इधर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो घूम रही है इसने भी अपना ऐसे ही टेल तोड़ लिया था तो दोबारा से रीग्रोथ हो गया था। तो बस ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आई क्योंकि एक्वेरियम छोटा था तो इधर से उधर इन्होंने टक्कर मारी, भागी दौड़ी और सारा डिस्टर्बेंस हो गया, फूड भी थोड़ा ऐसे ही दिया गया जल्दी में नीचे, तो ये सारी चीज़ होती है। बट अभी आप देख सकते हैं एक्वेरियम पूरा हेल्थी है, अच्छे से हैं और अभी मैंने फ़िश दी नहीं है, मैं देने के लिए बोल भी रहा था तो बंदा भी आया नहीं जिसको मुझे देनी थी। बट अगर देखिए वो आ जाता है तो अच्छी बात है, ले जाएगा, नहीं तो अभी मेरे पास पड़ी हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और FB पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको 24 आवर्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगा या आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आज का अपडेट आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइए और जल्दी मैं आपके लिए एक और एक्वेरियम लेकर के आ रहा हूँ। आपकी सभी की बहुत अच्छी फिश है, ऑलमोस्ट सभी इंडियंस को बहुत पसंद आती है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के बारे में भी मैं आपको अपडेट देना शुरू करूँगा, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, नई वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।